हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कामर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सितेश कुमार कुशवाहा आज फिर आपको बिजनेस मैनेजमेंट के सेकंड पेपर से 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन बताने वाला हूं। फ्रेंड्स आपको बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 28 तक बताया था, तो हम 29 से 60 तक आज बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो होगा 32 क्वेश्चन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो और भी बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है, समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह प्रयासों को एकीकृत करने वाले तत्व को कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है बी, समन्वय, बी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा कि समन्वय है ए एक प्रबंध कार्य, बी प्रबंधन का सार, सी प्रबंधन का एक उद्देश्य, डी एक सामाजिक उद्देश्य। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है प्रबंधन का सार, बी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा कि संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं ए 2, बी 4, सी 8, डी 16। तो आपका जो सही ऑप्शन है ए 2, सेंडर और रिसीवर, संदेश वाहक और संदेश प्राप्तकर्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है कि संदेश वाहन जाल के प्रकार होते हैं ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो आपका जो सही ऑप्शन है बी 4, संदेश वाहन जाल के प्रकार जो होते हैं 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, कह रहे संदेश वाहन प्रक्रिया के कदम होते हैं, कदम या तत्व कह सकते हैं होते हैं, तो ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। जो आपका ऑप्शन है वह है सही डी 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, संदेश वाहन प्रवाहित होता है ए एक दिशा में, बी 2 दिशाओं में, सी 3 दिशाएं में, डी 4 दिशाएं में। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी 4 दिशाओं में, संदेश वाहन जो प्रवाहित होता है वो 4 दिशाओं में प्रवाहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, संदेश वाहन प्रवाह ए नीचे की ओर, बी ऊपर की ओर, सी समतल और अरेखी में, डी इन सभी दिशाओं में। तो डी वाला ऑप्शन सही आपका इन सभी दिशाओं में, ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है, और समतल भी हो सकता है, तो सभी हो सकते हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें, जैसे बड़े स्तर के कर्मचारी अपने छोटे स्तर के कर्मचारियों को संदेश वाहन करते हैं, ठीक है, या छोटे स्तर के कर्मचारी अपने से बड़े कर्मचारियों को संदेश वाहन करते हैं, या एक ही स्तर के कर्मचारी आपस में संदेश वाहन करते हैं, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है नीचे की ओर संदेश वाहन लोगों के बीच किया जाता है, तो उच्च और निम्न स्तर, बी है निचला और उच्च स्तर, सी है आपका निचला और सॉरी सी है आपका समान स्तर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है उच्च और निम्न स्तर, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। उच्च स्तर से छोटे स्तर पे संदेश वाहन किया जाएगा, तो ऊपर से नीचे की ओर संदेश वाहन कहलाएगा, ठीक है। चलिए बड़े स्तर के कर्मचारी नीचे की ओर संदेश वाहन करें ना, तो बड़े स्तर के कर्मचारी छोटे स्तर के कर्मचारियों को संदेश वाहन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा ऊपर की ओर संप्रेषण निम्न से प्रभावित होता है, तो उच्च स्तर से निचले स्तर, बी कह रहा निचले स्तर से उच्च स्तर, तो और सी कह रहा सामान्य स्तर, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है बी, निचले स्तर से उच्च स्तर, यानी छोटे स्तर के कर्मचारी उच्च स्तर के कर्मचारियों को जब संप्रेषण करेंगे तो कहेंगे ऊपर की ओर संप्रेषण, ठीक है। चलिए बी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा लोगों के बीच समतल संदेश वाहन किया जाता है, तो ये कैसे होता है भाई, जब एक ही स्तर के कर्मचारी के बीच किया जाएगा तब ना। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है उच्च और निम्न स्तर, बी निचला और उच्च स्तर, सी है समान स्तर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है सी समान स्तर, कह रहे लोगों के बीच समतल जब संदेश वाहन होगा, माने एक स्तर के कर्मचारी समान स्तर के कर्मचारी आपस में जब कम्युनिकेशन करेंगे तो उसको कहेंगे लोगों के बीच समतल संदेश वाहन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा कर्णीय संप्रेषण लोगों के बीच यात्रा करता है, कर्णीय संप्रेषण लोगों के बीच यात्रा करता है, तो ए कह रहा है उच्च और निम्न स्तर, बी विभिन्न स्तर जिनका कोई सीधा संबंध नहीं है, सी समान स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है बी,
विभिन्न स्तर जिनका कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतलब उसमें कोई बड़ा छोटा समान नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि औपचारिक संचार किसके कारण होता है? ए सामाजिक ताकतों, बी आधिकारिक कार्रवाई, सी अर्ध आधिकारिक स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही ऑप्शन है बी आधिकारिक कार्रवाई, अधिकारियों के बीच होता है औपचारिक संप्रेषण, ठीक है, उनके कारण। क्वेश्चन नंबर 41 है अनौपचारिक संचार निम्न में से निम्न के परिणाम के कारण होता है। अनौपचारिक संचार निम्न के परिणाम के कारण होता है, तो कौन से परिणाम के कारण होता है? तो कह रहा है कि ए सामाजिक ताकतें, बी आधिकारिक कार्रवाई, सी अर्ध सरकारी स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है ए सामाजिक ताकतों के वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए औपचारिक वाला कर्मचारी के आधार पे और सामाजिक के आधार पे होता है अनौपचारिक वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए जो औपचारिक होता है ना तो उसमें पद डिपेंड करता है और जो सामाजिक होता है उसमें कोई पद वगैरह डिपेंड नहीं करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में बाधा नहीं है? ए खराब व्यक्ति संदेश, बी स्क्रीनिंग, सी अर्थपूर्ण विकृति, डी अच्छी योजना। तो अच्छी योजना जो है ना बाधा नहीं है संप्रेषण में, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा ना निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण को प्रभावी नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण को प्रभावी नहीं बनाता है? ए प्रतिक्रिया, बी बेहतर सुनना, सी संदेश की स्पष्टता, डी खराब योजना। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है, खराब योजना जो है ना संप्रेषण को प्रभावी नहीं बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा अंगूर लता, हम इसको अंगूरी लता कह सकते हैं, अंगूरी लता का एक रूप है ए औपचारिक संप्रेषण, बी संचार और चैनल, डी सी अनौपचारिक संप्रेषण, डी संचार के लिए बाधा। तो आपका जो ऑप्शन है सी अनौपचारिक संप्रेषण, जो सामाजिक बेस्ड होता है, सामाजिक बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिससे अंगूरी लता संप्रेषण का ना कोई सीमा नहीं होता है, वो फैलते जाता है चारों तरफ, ठीक है, और उसमें पद से कोई लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का संचार संप्रेषण, संचार या संप्रेषण का वह चैनल जो अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित होता है कहलाता है? ए समतल संप्रेषण, बी औपचारिक संप्रेषण, सी अंगूरी लता संप्रेषण, डी गैंग प्ले। तो आपका जो ऑप्शन है सी अंगूरी लता संप्रेषण में जो होता है संचार का संचार, जो अंगूरी लता संप्रेषण जो है संप्रेषण का वह चैनल है जो अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित होता है, तो ये क्या कहलाता है? अंगूरी लता संप्रेषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है कि संचार की बाधाएं क्या है? जब सूचना को प्राप्तकर्ता के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए जानबूझकर हेर फेर किया गया हो। ए भाषा, बी फिल्टरिंग, सी भावनाएं, डी लिंग। तो आपका जो ऑप्शन है बी फिल्टरिंग, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है दो तरफा प्रक्रिया है, ए पर्यवेक्षण, बी संप्रेषण, सी प्रेरणा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है बी संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन जो है दो तरफा प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषता है? ए यह एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, बी यह एक सतत प्रक्रिया है, सी यह प्रबंधन का एक व्यापक कार्य है, डी ये सभी। तो आपका जो ऑप्शन है डी ये सभी। चलिए संप्रेषण की विशेषता है, कह रहा है कि यह एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया, यह भी इसकी विशेषता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह भी एक विशेषता है, यह प्रबंधन का एक व्यापक कार्य है, यह भी एक विशेषता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, संचार प्रक्रिया का पहला चरण है ए विचार, बी इनकोडिंग, सी डिकोडिंग, डी प्रतिक्रिया। तो पहला चरण जो है विचार होता है, आइडियाज, पहले आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, ठीक है ना, तब इनकोडिंग करेंगे, तब चैनल मैसेज करेंगे चैनल के माध्यम से, फिर डिकोडिंग करेंगे, फिर फीडबैक देंगे, क्लियर। तो ये होती है प्रक्रिया, चरण, स्टेप्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है तो फीडबैक। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए विचार, बी इनकोडिंग, सी डिकोडिंग, डी प्रतिक्रिया। तो डी वाला ऑप्शन सही है, अंतिम चरण है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है
हम जवाब देते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, संचार के प्रवाह की दिशा में आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक प्रकार है? ए प्रभावी संचार, बी अनौपचारिक संचार, सी अनौपचारिक संचार, डी लंबवत संचार। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी लंबवत संचार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्न में से कौन संबंध पर आधारित संचार एक आधारित संचार का एक प्रकार है? ए प्रभावी संचार, बी अनौपचारिक संचार, सी नीचे की ओर संचार, डी लंबवत संचार। तो आपका जो ऑप्शन है बी अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन औपचारिक संचार का नुकसान है? ए धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया, बी व्यक्तिगत भागीदारी की कमी, सी सटीक जानकारी प्रदान करने की संभावना, डी ये सभी। तो आपका जो ऑप्शन है डी ये सभी जो है औपचारिक संचार का नुकसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 परिवर्तन है चेंजेज इज, ए आवश्यक, बी समय की बर्बादी, सी संसाधनों की बर्बादी, डी अनावश्यक। तो आपका जो ऑप्शन है ए आवश्यक है, परिवर्तन जो है आवश्यक है, चेंजेस आर नेसेसरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है परिवर्तन की गति होती है ए धीमी, बी तेज, सी अत्यंत धीमी, डी सभी प्रकार की। तो डी वाला ऑप्शन सही है, सभी प्रकार की हो सकती है परिवर्तन जो होती है, धीमी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है और अत्यंत धीमी भी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे परिवर्तन संगठन में अनिवार्य है यह कथन है, परिवर्तन संगठन में अनिवार्य है यह कथन है, ए टेरी का, बी एलन का, सी है आपका टेलर का, डी है फ्योल का। तो आपका जो ऑप्शन है बी एलन का। चलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे परिवर्तन के प्रकार हो सकते हैं, ए लगाया गया परिवर्तन, बी शुरू किया गया परिवर्तन, सी क्रांतिकारी परिवर्तन, डी है इन सभी प्रकारों का। तो आपका जो ऑप्शन है डी इन सभी प्रकारों का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन कारक नहीं है, ए संरचना, बी प्रौद्योगिकी, सी लोग, डी तर्क संगतता। तो आपका जो ऑप्शन है डी तर्क संगतता जो है परिवर्तन का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन नियोजित परिवर्तन की विशेषता नहीं हो सकती है, ए जानबूझकर अधिनियम, बी मजबूर अधिनियम, सी प्रतिक्रियावादी, डी परिणाम उन्मुख अधिनियम। तो आपका जो ऑप्शन है बी मजबूर अधिनियम, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन अभी तक का, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन के प्रतिरोध का कारण नहीं हो सकता है, ए इनाम में वृद्धि, बी व्यक्तिगत आदतें, सी अनिश्चितता का डर, डी सामाजिक संबंधों को खोने का डर। तो आपका जो ऑप्शन है ए इनाम में वृद्धि। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।